मान, दुमका में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। एक नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया गया। लड़की के साथ यौन शोषण की आशंका जताई गई है। दुमका में हाल ही में पेट्रोल से जलाकर एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले पर राजनीति गर्म हो गई है। दुमका में एक और नाबालिग लड़की की हत्या, यौन शोषण की आशंका, आरोपी गिरफ्तार। ये तस्वीर हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। ये ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा दहल जाएगा। एक नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया गया। दुमका के विश्वविद्यालय थाना इलाके के श्री अमड़ा में ये वारदात हुई है। पुलिस ने लड़की की शिनाख्त कर ली है। सूत्रों का कहना है कि नाबालिग लड़की 4 महीने की गर्भवती थी। उसके यौन शोषण की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुमका में नाबालिग लड़की की पेट्रोल डालकर हत्या करने का मामला पहले से गर्म है। अब इस वारदात पर सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया, दुमका से ये खबर खून खौला देने वाली है। आरोप है कि इस आदिवासी युवती को कल एक युवक ने बलात्कार के बाद हत्या कर पेड़ से लटका दिया। उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और कितनी आदिवासी युवतियां ऐसे दरिंदों का शिकार होंगी झारखंड में? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, पहले एक नाबालिग लड़की की हत्या और अब आज उसी दुमका में आदिवासी लड़की की बलात्कार के बाद हत्या। इस खबर को दबाने के लिए हमारे बच्चों और मनोज तिवारी के ऊपर केस। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, झारखंड में एक और आदिवासी बिटिया किसी के विषैले अरमानों का शिकार बन गई। मुख्यमंत्री और विधायक फरार हैं, होटल के कमरों में बंद, खुद की सरकार की उल्टी गिनती गिन रहे हैं। इस तरह का जो घटना है लगातार लगातार वृद्धि हो रहा है और कम एज की लड़कियों के साथ विशेष रूप से इस तरह का घटना देखा जा रहा है, चाहे वो कम एज भी हो या फिर महिला हो, लेकिन घटना का वृद्धि निश्चित रूप से हो रहा है। पूर्व मंत्री लुईस मरांडी का ये कहना है, इन वारदातों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से बोलते हैं, प्रशासन अपने जो जांच का दायरा है अपने से जहां तक होता है वहां तक करे, नहीं तो ये जांच ऊपर तक जाए, चाहे वो सीबीआई का जांच हो, एनआईए का जांच हो, किसी का भी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच निश्चित रूप से होना चाहिए। दुमका की ये वारदातें चिंताजनक हैं और पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द इन पर लगाम लगानी चाहिए। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। इस मामले पर कई और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। महागठबंधन की सरकार पूरी संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील सरकार में इस तरह की घटनाओं का कहीं कोई जगह नहीं है। हम मातम पे और दुष्कर्म पे राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम दुष्कर्म पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने वाले लोग हैं। मांग करते हैं पुलिस से कि त्वरित कार्रवाई हो और युवक को कठोरतम सजा मिले, लेकिन इस राज्य में 32 महीने के हेमंत सोरेन के शासनकाल में 4217 रेप केसेस और 4000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और पूरी की पूरी सरकार जो है वो अपने शौक पूरा करने के लिए रायपुर के एक 7-स्टार होटल में पूरे गुलछर्रे उड़ा रही है। यही सरकार का आदिवासी प्रेम है। ऐसी घटना में कोई कैसे चुप बैठ सकता है? और सरकार तो संवेदनशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आरोपी को मैं फिर एक बार बोलता हूं कि से कड़ी सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी तक की सजा हो, ऐसा सरकार का मानना है और उसके लिए प्रयास में कोई कमी नहीं रही। दुमका देवघर बॉर्डर पर करनी सेना के लोगों को प्रशासन